तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप जो बिल्कुल घर बैठे आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं मोबाइल से बना के आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो यदि आप मेरे फेसबुक चैनल में भी देखे हो तो फेसबुक चैनल को फॉलो कर लेना, यदि आप मुझे यूट्यूब चैनल में देखे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कर लेना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो। तो करना क्या बताया, सबसे पहले जो आपके जो मोबाइल स्क्रीन में आना है, पहले आपका जो फोन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए कि ये जो साइड है थोड़ा स्लो चलता है, तो फोन थोड़ा अच्छा लेना जिसमें तो रैम थोड़ा सा अच्छा अच्छा होना चाहिए, 3-4 GB होना चाहिए रैम कम से कम। तो स्टार्ट करते अपना वीडियो। देखो सबसे पहले जो है इसमें खास बात ये है कि सब आपके जो एंड्रॉइड फोन में थोड़ा सा मैं पहले बता चुका हूँ कि थोड़ा सा रैम वगैरह अच्छा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है उत्तराखंड पुलिस वेरिफिकेशन वाला साइट टाइप करना है, ठीक है। टाइप करने के बाद ये वीडियो देखो खासकर उत्तराखंड वाले के लिए है, क्योंकि उत्तराखंड में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड पीजी वेरिफिकेशन वाला काम, ये बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि इसमें जो सिस्टम है ऐसा खराब कर रखा है लोगों ने, इसके लिए ये चीज करना पड़ रहा है, ठीक है, पढ़ना जरूरी हो चुका है, ठीक है। तो करना है आपको ये आईडी बनाने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो, यदि आप नया आईडी बनाना चाहते हो तो रजिस्टर का ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे आपको जाना है। जाने के बाद इसमें आपका नाम डिटेल वगैरह रजिस्टर करना है, इससे आपका नाम मिडिल नाम हो गया, लास्ट नाम हो गया, जेंडर हो गया, जीमेल आईडी अपना डाल देना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ बर्थ कितने साल के हो, सारा चीज यहाँ पे देखो, एड्रेस वगैरह यहाँ पे विलेज टाउन तहसील ब्लॉक्स ठीक है ये सब चीज डालना है, हाउस नंबर स्ट्रीट नेम कॉलोनी लोकेशन विलेज तहसील सब कुछ डालने के बाद गाइस इस तरफ आप आ जाते हैं। यहाँ पे इधर देख सकते हो मोबाइल नंबर मांग रहा है, लैंडलाइन नंबर मांग रहा है, खाली मोबाइल नंबर से भी हो जाएगा, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई टाइम जो भी आधार कार्ड वेरीफाई करना चाहते हो या किसी और चीज से करना चाहते हो वो चीज भी यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आईडी नंबर जो आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड में जो नीचे जो आपका 12 अंक का जो आईडी नंबर है तो आईडी नंबर में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंट्री किस कंट्री से बात हो, स्टेट कौन से स्टेट से आती हो, जिला कौन से जिला से आते हो, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, पिन कोड कौन सा है, ठीक है। ये सब आपको पूरा फिल कर देने के बाद आपके आपके यहाँ पे नीचे आ जाएगा जमा, ठीक है। सबमिट का ऑप्शन देखो आ चुका है, सबमिट का ऑप्शन आने के बाद आपको पास एक ओटीपी आएंगे, ओटीपी आपको सबमिट करने के बाद आपका पास फिर एक स्टेप और आ जाएगा कि उसमें आपको लिखना होगा कि जैसे आप यूजर आईडी और ना जो यूजर आईडी के लिए आएंगे और जाके आपका जो भी पासवर्ड रखना चाहते हो पासवर्ड, उसके बाद पासवर्ड जैसे आप सबमिट करके क्लिक कर दोगे तो सबमिट हो जाएगा, तो आपको सक्सेसफुल एप्लीकेशन हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपको आईडी जो आपके मोबाइल नंबर में आएगा SMS आएंगे उसमें जाके फिर आपको दोबारा लॉगिन करनी होगी, ठीक है। जैसे लॉगिन करनी होगी, जैसे देखो मेरे पास तो ऑलरेडी आईडी है तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से काम होता है, ठीक है। तो आप लोग बने रहना वीडियो के अंत तक। तो भाई यदि ये वीडियो आप देख लोगे ना, सही से देख लोगे तो ये वीडियो जो आपको बहुत ही काम का वीडियो है, क्योंकि ऐसा वीडियो बहुत ही कम लोग बनाते हैं, लोग अच्छे से वीडियो बनाते हैं, बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं, भैया हम ऐसे वीडियो बनाऊंगा जो आपके रोज काम का आने वाले हैं, तो बने रहना मेरे वीडियो के साथ। तो अब देख सकते हो, तो जैसे हमने अपने कैप्चर कोड डाला, पासवर्ड सेव पहले से है, तो देख सकते हो ये चीजें आपको खुल गया। साइट का नाम देख सकते हो CCTNS, ठीक है, CCTNS जो साइट है ये अपना उत्तराखंड का साइट है। इस साइट में जैसे आप पुलिस से रिलेटेड कोई भी काम शिकायत हो गया, पंजीकरण हो गया, पुलिस स्टेशन से जो चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, सारा चीज इसमें मिल इस साइड में मिल जाता है, यहाँ से ऑनलाइन आप कर सकते हो। जैसे आप मान लो ये नागरिक सेवा में का ज्यादा यूज होता है, देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे काम हैं, किरदार पंजीकरण अनुरोध, चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध, कार्यक्रम वाला है, विरोध हड़ताल वाला है, जुलूस वाला है, गुमशुदा व्यक्ति, खोया हुआ सामान, ठीक है, खोया हुआ सामान जैसे किसी का मोबाइल खो जाता है वो भी यहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद जाके है आपके कर्मचारी का सत्यापन, घरेलू सहायता सत्यापन, सी फॉर्म, यानी इतनी चीजें जो काम जो है आप भाई घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। और यदि आप कहीं पे अपना जब काम स्टार्ट कर दिया भाई, इसी से आप पैसा कमा भी सकते हो ऑनलाइन का। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और फेसबुक लाइव को और पेज